के लिए यहाँ हमको सहकार्य की। जय जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सभापति महोदय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस संसदीय क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूँ वहाँ पर रक्षा विभाग के 5 महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जिनमें ऑर्डनेंस फैक्ट्री है, गन कैरेज फैक्ट्री है, ग्रे आयरन फाउंड्री है और इसके अलावा और भी बड़े संस्थान वहाँ पर हैं। और इन संस्थानों में और केंद्रीय कार्यालयों में लगभग 80,000 से 1,00,000 कर्मचारी जो सेवारत हैं अथवा जो रिटायर्ड हो गए हैं, ऐसे लोग वहाँ पर निवास करते हैं। और इन सभी कर्मचारियों को CGHS के अंतर्गत औषधालयों से उपचार कराने की पात्रता भी है। महोदय, वर्तमान में जबलपुर में मात्र 3 CGHS औषधालय हैं, जिनमें मात्र 9 चिकित्सकों के पद सैंक्शन हैं और उनमें से भी केवल उपलब्ध 7 डॉक्टर्स हैं। बचे हुए 2 पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। पिछले सत्र में मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसके जवाब में मुझे ये बताया गया था कि अगर कोई नई डिस्पेंसरी खोली जाना हो तो उसके लिए कम से कम 3 किलोमीटर की परिधि में शहर में 2,000 या उससे अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी होना चाहिए। और साथ में ये भी जानकारी दी गई थी, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी अच्छा, मैं मुझे लगा कि वो सामने बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पर CGHS की डिस्पेंसरी में ये बताया गया कि 150 पेशेंट के ऊपर 2 डॉक्टर रहेंगे। आप कल्पना करिए कि 75 पेशेंट को 1 डॉक्टर देखेगा, उन कर्मचारियों की क्या हालत होती होगी जो रिटायर्ड हैं अथवा जो सेवा में समय पे वहाँ पर हैं। और लगभग जबकि हितग्राहियों की संख्या 80,000 से 1,00,000 है, इसके हिसाब से जो नियम कहता है उसके अनुसार कम से कम 8 डिस्पेंसरी वहाँ पर होना चाहिए, उसी के अनुपात में वहाँ पर डॉक्टर्स भी होना चाहिए। 2008 में जो भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट ने जो सर्वे किया था उसमें जबलपुर में कम से कम 15 डॉक्टर्स की पोस्टिंग के उसने रिकमेंडेशन की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर आज भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मैंने स्वयं वहाँ पर विजिट किया है। महोदय, वहाँ सवेरे 5 बजे से पेशेंट जाकर लाइन में लगते हैं। जब मैं वहाँ गया, एक 75 साल के बूढ़े ने मुझसे कहा कि मैंने तो सारे जीवन सरकार की सेवा की थी, ये सोचकर कि कम से कम बुढ़ापे में मुझे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। एक मिनट में मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 5 बजे आके लाइन पे लगा, लेकिन सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पर आकर लाइन में लगे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि कम से कम जबलपुर में CGHS की पर्याप्त डिस्पेंसरी खोली जाए और जब तक डिस्पेंसरी नहीं खोलते तब तक वहां पर डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम